काउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेलीप्राइम के इस अध्याय में हम बताएंगे बिल प्रिंटिंग के बारे में और साथ ही प्रिंट करते समय आने वाली समस्याओं और उनके समाधान के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो जो कि इसका पहला भाग है, उसमें हमने आपको प्रिंटिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी थी। साथ ही बताया था कि टैली में कहीं भी काम करते हुए बहुत सी रिपोर्ट्स कैसे प्रिंट करते हैं। अब चलिए इस वीडियो में जानते हैं बिल प्रिंटिंग और उससे संबंधित समस्याओं और उनके समाधान के बारे में। यहां हमने एक सेल्स वाउचर ओपन कर लिया है, हम इसे प्रिंट करना चाहते हैं। तो या तो ऑल्टर और पी प्रेस करें और उसके बाद आर प्रेस करें, या सीधे कंट्रोल और पी प्रेस कर दें। ये देखिए, यहां पर तीन ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं जिसमें प्रिंट सिलेक्टेड है। यदि आप एंटर प्रेस करेंगे तो बिल की प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी, पर कई बार जब हम सीधे प्रिंट कमांड दे देते हैं तो एक दिक्कत आती है। बिल के प्रिंट हो जाने पर हमें पता चलता है कि इसमें कुछ गलती रह गई है और ऐसी स्थिति में हमें उस गलती को ठीक करके दूसरा प्रिंट निकालना होता है। इसका समाधान ये है कि हम पहले प्रीव्यू देख लें और कोई गलती हो तो उसे ठीक कर लें, फिर प्रिंट निकालें। इसी तरह कई बार ऐसा भी होता है कि हम सीधे कोई बिल प्रिंट कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि बिल तो कई पेजेस में प्रिंट हो गया है। यदि हम पहले प्रीव्यू देख लेते हैं और प्रिंट करने के पहले बिल की प्रिंटिंग को कॉन्फिगर कर लेते हैं तो बिल कम पेज पर प्रिंट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि हम बिल प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू देखकर अपनी गलती ठीक कर सकते हैं और पेपर वेस्ट होने से बचा सकते हैं, पर हम अक्सर प्रीव्यू देखना भूल जाते हैं और ऐसी गलती कर बैठते हैं। टैली ने इसके समाधान के लिए एक ऑप्शन सेट प्रीव्यू एज डिफॉल्ट दिया है। आइए उसे समझ लेते हैं। उसके लिए हम सी या F12 प्रेस करेंगे। अब सर्च बार में टाइप करें प्रीव्यू। ये देखिए, सेट प्रीव्यू एज डिफॉल्ट ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है जो कि अभी नो है। हम एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, एंटर प्रेस करते ही ये ऑप्शन यस हो गया है। अब इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वापस सेल्स वाउचर पर चलते हैं। अब फिर से प्रिंट के लिए कंट्रोल और पी प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, पहले प्रिंट सिलेक्टेड था जबकि अब प्रीव्यू सिलेक्टेड है। अब यदि हम एंटर प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट प्रिंट नहीं होगा बल्कि प्रीव्यू दिखाई पड़ेगा। हम एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, ये बिल 9 पेज का है। अब इस बिल को कम पेजेस पर कैसे प्रिंट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा ट्राई करके देख लेते हैं। आप यहां पर कंसाइनी और नीचे बायर लिखा देख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने किसी कस्टमर यानी बायर को माल बेचते हैं और उसके कहने पर माल उसकी दुकान पर ना भेजते हुए किसी अन्य व्यापारी के यहाँ भेजते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम जिसे माल भेजते हैं उसका नाम कंसाइनी में आता है। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि कंसाइनी और बायर दोनों में एक ही नाम और एड्रेस आ रहे हैं। इसका कारण ये है कि हमने जिसे माल बेचा है माल उसी की दुकान पर भेजा है, तो हम बिल में से कंसाइनी को हटा सकते हैं। इसके लिए हम वापस पीछे जाकर सी प्रेस करेंगे और सर्च बार में टाइप करेंगे कंसाइनी। ये देखिए, शो कंसाइनी डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है जो कि यस किया हुआ है। हम इसे एंटर प्रेस करके नो कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टी डिटेल्स में और भी कई ऑप्शंस हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इनमें भी चेंजेस कर सकते हैं। चलिए अब प्रीव्यू देख लेते हैं। ये देखिए, कंसाइनी वाला बॉक्स यहां से चला गया है और अब यहां पर नीचे पेजेस की संख्या भी 9 से घटकर 7 रह गई है। चलिए कुछ और चेंजेस करके देखते हैं। हमारी इस कंपनी में हमने गोडाउन्स बनाए हुए हैं, इसलिए इस बिल में हमने जिस गोडाउन से माल डिलीवर किया है स्टॉक आइटम के साथ उस गोडाउन का नाम भी आ रहा है।
हमारे हिसाब से हम कस्टमर को जो बिल देने वाले हैं उसमें हमें गोडाउन का नाम देने की जरूरत नहीं है। तो हम वापस कॉन्फिगर पर चलते हैं और सर्च बार में टाइप करेंगे गोडाउन। अब इस शो गोडाउन नेम वाले ऑप्शन पर जाकर इसे नो कर देंगे। अब हम एक बार पूरी लिस्ट चेक कर लेते हैं कि क्या हमें कुछ और भी चेंजेस करना है। ये देखिए, कंपनी डिटेल्स में एक ऑप्शन है शो बैंक डिटेल्स। यदि हम बिल पर ही अपने बैंक की डिटेल्स दे दें तो कस्टमर को सीधे बैंक में पेमेंट ट्रांसफर करने में आसानी होती है। तो इसको यस कर देते हैं और डाउन एरो से नीचे चलते हैं। यहां पर हमें अपनी बैंक का नाम देना होगा, हम एंटर प्रेस कर रहे हैं। हमारे दो बैंक्स में अकाउंट हैं तो हम इनमें से अपने हिसाब से किसी भी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, यहां पर बैंक का नाम आ गया है। इसके नीचे है शो अकाउंट होल्डर्स नेम। यदि ये ऑप्शन यस है तो ठीक, और यदि नो है तो इसे यस कर दें। ऐसा करने पर ही हमारी बैंक डिटेल्स के ऊपर हमारा कंपनीज बैंक डिटेल्स में अकाउंट होल्डर का नाम दिखाई पड़ेगा। यहां पर एक खास बात ध्यान रखें, बैंक डिटेल्स बिल में तभी दिखाई पड़ेंगी जब आपने बैंक का लेजर बनाते समय उसमें पूरी बैंक डिटेल्स दी होंगी। चलिए अब फिर से प्रीव्यू देख लेते हैं। ये देखिए, शो गो डाउन ऑप्शन को नो करने से अब बिल 7 की जगह केवल 4 पेजेस का हो गया है। और आखिरी पेज पर बैंक की डिटेल भी दिखाई पड़ रही है। टेलीप्राइम में एक नया ऑप्शन ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर ये आया है, इसे भी समझ लेते हैं। जैसा कि आप सेव पेपर नाम से ही समझ गए होंगे, इससे प्रिंटिंग के समय पेपर की बचत होगी। इसके लिए हम वापस कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, यहां पर शो मोर पर एंटर प्रेस करेंगे। अब लिस्ट में नीचे जाएंगे। ये देखिए, ये ऑप्शन होता है हमारे हेडर इन्फॉर्मेशन में। इसके लिए या तो आपको ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर पर जाकर एंटर प्रेस करना होगा, या सर्च बार में सेव पेपर के लिए सेव टाइप करना होगा। अब एंटर प्रेस करें। ये देखिए, ये ऑप्शन इनेबल हो गया है। इसके बाद इसी के नीचे चूज डिटेल्स टू शो सेकेंड पेज ऑनवर्ड्स ऑप्शन है। इसका उपयोग समझने के लिए हम आपको अभी जो प्रिंट प्रीव्यू हमने देखा था उसे साइड में बता रहे हैं। ये देखिए, इस प्रीव्यू में चारों पेजेस पर एक जैसी कंपनी डिटेल्स आ रही है। यदि आप चाहते हैं कि कंपनी डिटेल्स सिर्फ पहले पेज पर दिखाई दे और दूसरे पेज पर सीधे आइटम्स के नाम आ जाएं, तो उसके लिए हम इस ऑप्शन को यस कर देंगे। ये देखिए, एक नई स्क्रीन आ गई है। इसमें से हमें केवल उन्हीं ऑप्शंस को यस रखना है जिन्हें हम बाकी के पेजेस पर भी प्रिंट करना चाहते हैं। हम यहां सभी ऑप्शंस को नो कर रहे हैं। अब कंट्रोल ए से इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर से प्रीव्यू देख लेते हैं। ये देखिए, पहले जो 4 पेजेस थे अब वो केवल 2 ही रह गए हैं। पहले पेज पर हमारी पूरी कंपनी डिटेल्स आ रही है, पर दूसरे पेज पर सीधे आइटम्स के नाम आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहां से पेज की मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बेसिक प्रिंटिंग के बारे में बता दिया है। अब आप अपनी जरूरत के हिसाब से इन ऑप्शंस को उपयोग करके देख सकते हैं। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशंस हैं जिन्हें हम आगे की वीडियोस में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।